नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। ए इनवर्स को कैसे निकाला जाता है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ए इनवर्स। ये आपको एकदम कन्फर्म आएगा ही आएगा। ये 6 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो चलिए, आज हम लोग 2 × 2 टाइप्स का सीखेंगे इनवर्स बनाना, और 3 × 3 टाइप्स का, ठीक है? दोनों ज़रूरी है, ठीक है? और यहाँ पर मतलब कि इस टाइप का, और एक ये वाला, ठीक है? 3 ठो वाला। तो क्या करना है दोस्तों, कि हम लोग तीनों इस टाइप से सीखेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम लोग 2 × 2 का सीखेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए दोस्तों क्या रहना चाहिए हमारे पास? ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास ए 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडज्वाइंट ए रहना चाहिए, ठीक है? तो ए सबसे पहले निकालना जरूरी है, और एडज्वाइंट ए निकालना जरूरी है, ठीक है? ये दोनों चीज़ रहना चाहिए, ताकि हम इस फॉर्मूला पे जगह पर पुट करके आसानी से क्या निकाल सके दोस्तों, ए इनवर्स। तो चलिए हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। सपोज डैट हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आप ही के बुक में है, 2 − 2 = 4 − 3। ये हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है? तो चलिए ए डिटरमिनेंट निकाल दिए, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है? यहाँ पर फिर क्या है, −2 × 4, ठीक है दोस्तों? तो 6, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 2 = 8, और इसको जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 जो है वो 0 के बराबर नहीं है दोस्तों, तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एडज्वाइंट ए निकालना है, ठीक है? तो एडज्वाइंट ए कैसे निकलेगा, यही हमारा इसमें मेहनत थोड़ा सा लगता है, और बाकी इजी है। तो एडज्वाइंट ए कैसे निकलेगा दोस्तों, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स में क्या करना है हम लोग को, एक स्पेशल कंडीशन था, बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी जैसे जैसे कि यहाँ पर, जैसे सबसे पहले हम लोग m1 m1 2, और यहाँ पर 21, और यहाँ पर 22, ऐसे ऐसे करके लिख दिए। और लिखने के बाद क्या करना है आपको, कि 2 का ओपोजिट, 2 × 2 का स्पेशली मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है? तो 2 का ओपोजिट जो भी चीज़ रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? और यहाँ −2 के ओपोजिट कौन है, 4 है, लिख देना आपको, ठीक है? अब यहाँ पर 4 के ओपोजिट कौन है, −2 है, लिख दीजिए। और फिर इसके बाद 3 के ओपोजिट कौन है, 2 है, ठीक है? लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, कि यहाँ पर ए ए ए ए, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, कि यहाँ पर −1 × जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसको लिख दीजिए, लेकिन इसके ऊपर क्या पावर देंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे 1 और 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो भी चीज़ यहाँ पर रहेगा उसको 1 + 1 लिख दीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर −1 का 1 + 2 × 4, ठीक है? फिर यहाँ पर −1 का जो भी चीज़ रहेगा, जैसे आराम से हम लोग लिख देंगे, एकदम घबराना नहीं है, ठीक है? और फिर यहाँ पर 2 + 2 × यहाँ पर 2 हो गया, और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब हम लोग जो है इसको यहीं पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है, 3 हो रहा था, यानी कि ऑड में आ रहा है, −1 × 4 − 4, और इसमें माइनस ही आ रहा है, −1 आ रहा है ना, तो −−+ यानी कि 2 हो जाएगा, और इसमें पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि −1, तो 1 हो जाएगा, 1 × 2 = 2। तो यानी कि जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उसको हम लोग वैसे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, तो 3 − 4, ठीक है, 2 और 2। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ज़रूरी है, ठीक है? इस इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है दोस्तों? ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करिएगा दोस्तों, तो कैसा बन जाएगा, ये एडज्वाइंट ए का ट्रांसपोज कैसा बन जाएगा, 3 और 2 कॉलम में है ना, तो उसको हम लोग रो में लिख देंगे, ठीक है? यानी कि इसको ट्रांसपोज किए तो हमारा इतना आ गया, आया? तो अब हम लोग ए इनवर्स तो निकाल सकते हैं आसानी से। तो ए इनवर्स हम लोग आसानी से निकाल देंगे, तो 1/a डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट कितना निकला था दोस्तों, 14 निकला था ना,
तो 14 निकला था, तो उसको 14 को लिख देता है। और एडजॉइंट ए अभी तुरंत निकाला है, तो एडजॉइंट ए क्या है दोस्तों, 3 माइनस 4 2 2, 3 माइनस 4 2 2, ठीक है। तो जो जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोस्तों उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो ए इतना, तो 1/14 जो है इसके अंदर एंटर होगा और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3/14 हो गया, 2/14 हो गया, और -4/14 हो गया, 2/14 हो गया, ओके। तो ये तो होगा नहीं, तो जस का तस लिखा जाएगा, ठीक है। और ये कट गया 1 और 7, यहाँ पे भी 1 और 7, यहाँ पर -2 और 7, तो -2/7, 1/7, 1/7, तो यानी कि हमारा ये ए इनवर्स निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो ए इनवर्स निकल गया, हम लोग क्या सीखे 2 इंटू 2 का कैसे ए इनवर्स निकाल देता है। सबसे पहले क्या करना रहता है हम लोग को, ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। और उसको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग ओपोजिट, उसके जस्ट ओपोजिट जो जो है उसको लिख लेंगे, और -1 का पावर से क्या करेंगे, देख लेंगे कितना कितना जो भी हो रहा है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, उसके हिसाब से लिख करके फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो हमारा एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, और उसके जगह पे वैल्यू फिर पुट कर देंगे, आसानी से हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, अब हम लोग 3 इंटू 3 का बनाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 इंटू 3 का कैसे बनेगा। तो 3 इंटू 3 में मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 0 2 4, और क्या है 0 0 5, ये एनसीईआरटी बुक का 4.5 का 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह का। और एक तरह का हम लोग एग्जांपल ले लिए, सपोज डैट ए इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, फाइंड ए इनवर्स ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहले तो ए डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए, चाहिए ना। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए ए डिटरमिनेंट। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, तो ए डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 3 इंटू 3 में, कि 1 जैसे 1 है, तो जो भी 1 के आसपास यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में आता है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में आता है और ये स्ट्रेट लाइन में आता है, देख रहे हैं ना, ये और ये स्ट्रेट लाइन में आता है, जो भी बचेगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट का बात हो रहा है, तो 1 को ऐसे रखिएगा, ठीक है। तो बचा कौन, 2 4 0 5, 2 4 0 5 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं ना माइनस होता है, क्यों यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि ये क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम है, और 1 + 2 को करिएगा तो 3 आता है, -1 का पावर अगर 3 रहेगा तो ऑड में आएगा, ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ को याद रखिएगा, माइनस होगा यहाँ पर। तो अब क्या करना है दोस्तों, कि 2 ले लिए, तो 2 का आप देखना है, तो 2 में कौन सा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है और एक ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो बचा कौन, 0, देखिए ये और ये, तो 0 0 4 5, तो यानी कि 0 0 4 5 बचा, उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर +3 होगा, क्यों +3 होगा, -3 क्यों नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, तो 1 + 3 को करिएगा तो 4 आता है, यानी कि इवन नंबर में आया ना इसका पावर, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लिखे हैं दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि 3 लिखे, तो ये और ये चला जाएगा हवा खाने, और बचा कौन, 0 2 0 0, ठीक है, ये और ये चला गया ना, बहुत ईजी है, बहुत खेल है, एक तरह से बहुत हंसी वाला खेल, मज़ा आता है इसको बनाने में। तो 0 0 लिख दीजिए और 2 0 लिख दीजिए, बस यही चीज़ था। और फिर आसानी से हम लोग इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो 1 को सबसे पहले बाहर रखिएगा, क्योंकि वो मेन है, ठीक है, वही अंतिम में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 × 5 कर लेंगे, तो कितना होता है दोस्तों, 10 होता है ना, फिर माइनस देते हैं तो 4 × 0, तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जस्ट जल्दी से, 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 4 0 0, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो प्लस देंगे
और 3 0 × 0 0, 2 × 0 0 0, तो देख रहे हैं कि सब जगह 0 0 0 आ गया है, तो सिर्फ 1 × 10, तो 10 आ गया और बाकी सब जगह 0 और 0 आ गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 10 जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो यानी कि वो डिटर्मिनेंट हो गया। तो अब क्या करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडज्वाइंट ए निकालना, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है? एडज्वाइंट ए। तो एडज्वाइंट ए कैसे हम लोग निकालेंगे, निकाल लिए ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लिखने के लिए, क्योंकि आपको पता चल सके आसानी से। तो यही क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं। 1 2 3 था, हम बुक से देख ले रहे हैं, 0 2 4 और 0 0 5 है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को इससे एडज्वाइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडज्वाइंट ए निकालने के लिए हमारे पास क्या कैसे रहना चाहिए दोस्तों, ए 1 2, ए 1 3, 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए 3 × 3 का एडज्वाइंट हम लोग को निकालना है, तो बहुत ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, ध्यान से देखें। अब हम लोग 1 का निकालना है ना, क्योंकि ए 1 1 की जगह पर क्या लिखाएगा, तो वही चीज़ है। तो 1 को हम लोग जो है 1 का अब हम लोग देखना है कि आगे और पीछे, यानी कि जो जो लाइन जैसे जैसे टच हो रहा है उसको हटा देना है, उसको छोड़ के जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 1 को नहीं लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे ना कि 1 और डिटर्मिनेंट और 2 4 0 5, वो चीज़ नहीं लिखना, ठीक है। ये अब क्या है, एडज्वाइंट है, तो सब में होगा, ठीक है, ये इसमें 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 सब में हो, ऐसे ही करना है, ठीक है, ध्यान से आपको माइंड मेकअप कर लीजिए। ये एडज्वाइंट में ही ऐसा किया जाता है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में सिर्फ 1 और 2 और 3 इसी को लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है कि 1 का है, आप किसी में भी डिटर्मिनेंट में किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको तीन ही चीज़ लेना है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन तीन ही ठो लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि चलिए देखते हैं, इसका है तो क्या बचा दोस्तों, 2 4 0 5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 1 का है ना, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पर -1 का पावर 2 करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए, हम फालतू कुछ भी चीज़ आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, इसमें जितना भी चीज़ बोलेंगे आपको भलाई के लिए बताएंगे। 1 + 1 तो 2 हो गया। अब चलिए देखना है, अब क्या क्या है, 2 × 5 10 हो गया और 4 × 0 0 हो गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले 10 आएगा तो 10 लिख लिए, और 0 उधर आने वाला है तो हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं, उसके आगे तो 0 ही ना है, इसलिए तो यहाँ पर -1 का, अब 1 + 2 जोड़िए तो कितना होता है, 3 होता है। इसको लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या करना है, अगर आप एक्सपर्ट बन जाइएगा तो डायरेक्ट देखिएगा कि यहाँ पर 3 है, तो आप माइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है यहाँ पर बुक में, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप यहाँ पर क्या है कि इसका बारी आ गया है, तो इसका बारी में ये और ये, यानी कि टी जैसा बन रहा है, यानी कि 0 0 4 5, तो यानी कि 0 × 5 और 4 × 0, तो यानी कि 0 हो जाता है, तो 0 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 का पावर, इसको जोड़िएगा तो 4 आता है। अब इसका बारी आया, तो इसका बारी आया तो कौन बचा, ये और ये उड़ा, तो 0 2, यानी कि ऐसे उड़ जा रहा है, तो बचा कौन दोस्तों, 0 2 0 0, तो उसको ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 का पावर, फिर इसको जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बार, अब देखिए ये ऐसे क्या काम से, और इससे कौन टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, तो 2 और 3, यानी कि देखिए 2 3 0 5, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5 10 होता है और 3 × 0 0 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 0 नहीं लिखेंगे आगे, क्योंकि ज़रूरी है ही नहीं वो, क्योंकि वो 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर -1 × क्या है दोस्तों, -1 × इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये गया काम से और ये भी गया काम से, तो बचा कौन, 1 0 3 5, तो यानी कि 1 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया ना, और 3 × 0, तो यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस
-0 लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, हम बता दे रहे हैं ऐसे भी। तो अब क्या करना है ना दोस्तों, 23 है तो 23 का बारी आता है, तो ये गया काम से और ये गया काम से, तो यानी कि कौन बचा, 1 2 0 0, तो 1 0 0 और 2 0 0, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो -1 का 5 लिख दीजिए और 0 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर -1 का क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 लिख देंगे और इनटू, चलिए 31 अपने इसमें आते हैं, तो 2 2 ये बचा, क्यों ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6, सबसे पहले क्या करना है, 2 का बारी आया ना, तो 2 4 जा 8, तो 8 लिखिए, ठीक है। -1 जो है, याद रहे दोस्तों, अगर ऐसा बारी आता है, अब जैसे ये हार्ड हो गया, तो क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि -1 जो है सब में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना दोस्तों, याद रहे ये चीज़ को। तो इसका बारी है ना, तो 2 4 जा 8 -3 2 जा 6, तो यानी कि ऐसे लिखती है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि फिर यहाँ पर -1 दीजिएगा और 3 प्लस 2, फिर अब क्या करना है, इसका बारी आया तो 0 का, तो 1 4 जा 4, जैसे देखिए ये बच्चा, ये उड़ गया, ये उड़ा, तो 1 और 4 3 और 0, तो 1 4 जा 4 3 और 0, तो सिर्फ 4 ही बचा, लिख देंगे आराम से। अब क्या करना है, इसका बचा लास्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये और ये गया काम से, तो बचा कौन दोस्तों, 1 2 जा 2 और 2 0 0, सिर्फ 2 ना बचा, तो -1 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। तो यही चीज़ था, जो चीज़ था, अब आराम से इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये जो है 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 10, अब यहाँ पर -1 इंटू 0, तो 0 ही होगा, ये 0 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर -1 इंटू 10, तो यानी कि -10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड में, इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 है ना, तो यानी कि +1 हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है। तो क्या करना है दोस्तों, ये 1 इंटू 5, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, लिख देना 0। अब इसमें से घटाइएगा 8 में से 6, तो 2 होता है, और यहाँ पर पावर क्या है, इवन में है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया दोस्तों से, ठीक है, समझ जाइएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर पावर -1 ही होगा, -1 इंटू 4, तो -4, अब यहाँ पर पावर क्या है, 6 है ना, इवन में है, तो 1 इंटू 2 2, तो यानी कि ये हमारा इतना निकल गया। तो उसके जगह पर एकदम आराम से क्या करना है आपको, एडजॉइंट ए लिख दीजिए, हो सके तो ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जैसे जगह पर है, 10 0 0 है, 10 0 0 लिख दीजिए, -10 और यहाँ पर 5 0 और यहाँ पर 2 -4 2, ये चीज़ लिखा हुआ, इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, अगर ट्रांसपोज नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो 10 0 0 ये रो में है, तो उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लिख दीजिए, बन गया, और क्या, कितना ईजी था दोस्तों। तो अब क्या करना है, एडजॉइंट ए तो निकल गया, अब बारी आता है जो हमको निकालना है, मेन मकसद। तो ए इनवर्स का फार्मूला 1/A डिटर्मिनेंट होता है ना, तो ए डिटर्मिनेंट को हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर है। तो ए डिटर्मिनेंट जो है हमारा क्या निकला था दोस्तों, 10 निकला था ना, 10, तो 10 को हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिए थे। तो 10 आया, और एडजॉइंट क्या आया दोस्तों, जो भी चीज़ आया था उसको लिख दीजिए, तो अब जो है ये 1/10 जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहीं पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। तो 10/10 हो जाएगा ना, और 0 के साथ जो भी डिवाइड वाइड कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, -10/10 हो जाएगा और 2/10 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके बस सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बहुत ईजी है। और यहाँ पर 0 -4/10 और यहाँ पर 2/10, बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं। अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो क्या आएगा, आप काट लीजिएगा, आप पे हमको भरोसा है, आप काट लीजिएगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर -1 और यहाँ से 2 5 जा 10, तो 1/5, बहुत ईजी है, आप इसके बाद तो आराम से बना सकते हैं, बस जगह नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। और 1 यानी कि 5 2 जा 10, तो यानी कि 1/2, ठीक है, और 2 2 5 जा 10, तो यानी कि -2/5,
आप लोग बनाइएगा और आंसर यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आंसर आपका आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/5। तो देखिए दोस्तों ध्यान से आंसर क्या आया है, ये आंसर है, ठीक है। हो सके तो आंसर चलिए हम लिख देते हैं अच्छे से। तो यानी कि ए इनवर्स चेक करिएगा आंसर आया कि नहीं आपका, आया होगा तो बोलिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या आया था, 1-1, ठीक है, 1/5, 0 0, 1/2, -2/5, 1/5 और यहाँ पर 0। तो यानी कि ये है आंसर, ठीक है। ए इनवर्स निकल गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों ए इनवर्स आपको समझ में आया, कैसा, अच्छा लगा वीडियो, कमेंट उमेंट कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी इसको अपलोड करते हैं।